नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे चांद से मकड़े को अभी मत छुपाओ क्योंकि इसमें ग्रहण लगने वाला है। हमारा हाथ छोड़ दो नहीं तो हम पापा से कह देगा। देखो ये कहती है कि पापा से कह देंगे। देखो तुम्हारे पापा हमारे लिए काम करते हैं तो हम उसे बख्शीश देते हैं। तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम खूब सारा बख्शीश देंगे। हमको नहीं चाहिए कोई बख्शीश। बख्शीश क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हम तो देंगे, हम तो जरूर देंगे। देंगे 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 तो नहीं सही। बिना लालच का अपना प्यार हमें दे दे क्या फर्क पड़ता है। दिलदार अच्छी बात है, हमें दिलदार लोग बहुत पसंद है। मम्मी भी पसंद है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपका पाँव पड़ता है। देखो ये पाँव पड़ती है, मैं इसके पाँव पड़ता हूँ। देख आज की ये रात एक यादगार रात बन जाएगी। तू मेरे पाँव में आ जा, पकड़ ले, पकड़ ले इसको। देखो तो रूबी का हो सकता है। तुमने हमारा रूप हाथ लगाया, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा तुमको। हाँ जान से। तुमने हमारा रूपी का हाथ लगाया, उसको चाकू मार देगा, हम तुमको मार डालेगा। अबे ये तो सचमुच मर गया। 10 मिनट में यहाँ तो मौत की चादर फैल गई यार। इसके जिम्मेदार तुम हो, लड़की देखनी और लाल टप करना शुरू। अबे ओ, इसका जिम्मेदार तू भी है, उतना ही हकदार है। इस लड़की को टपकाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं इस लड़की को नहीं टपकाता तो ये हम लोगों को टपका देता, समझा? अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब इन लाशों को ठिकाने लगाने की सोचो। एक काम कर। क्या? इन लाशों को हम दोनों ठिकाने लगा देते हैं और रातों रात यहाँ से भाग जाते हैं। तू इस लड़की को उठा ले, मैं इसको उठा के ले जाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या खुली थी? क्या खुली थी? पागल हो गई क्या? क्या क्यों नहीं चाहता? ये तो मरी नहीं चाहता। अबे ये तो मरी भी है, तू काट मारेगा। ये तो मरी भी है, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। अबे रुक, पागल हो गया, रुक, मेरे को अकेला छोड़ दे। अबे मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। से पालकर उसको बड़ा किया, उन्हीं यादों से उसको दमन किया।
खुद कॉस्टा, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो बेकसूर जोड़ों का खून क्यों कर रही है। उसका इंतकाम तो तभी खत्म हो गया था जब उसने नागराज और योगराज का खून किया। शायद हमारा बेटे को प्यार का खुशी नहीं मिला, इसलिए वो बेहोश हो गया और हर जोड़ा को मारने लगा। डिकोस्टा, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है यह तो रूबी मर्डर केस फाइल देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि तुम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, तुम उन सब जोड़ों को इस बंगले में ठहराते थे ताकि तुम्हारी बेटी आसानी से सबका मर्डर कर सके। गॉड का वास्ते, हम पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाने का। जब रात को लोगों का गाड़ी खराब होता हम तरस खाकर उनको यहाँ रहने को देता था। ये जानते हुए भी कि उनकी जान को यहाँ खतरा हो सकता है, तो फिर क्या करता, क्या करता मैं? अगर हम उनको कोठी में नहीं ठहराता तो भी उनकी जान को खतरा होता। तुम उन्हें आत्मा की बात बताकर सावधान भी तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमने लोगों को बहुत समझाया लेकिन कोई नहीं माना, उल्टा हम पर हंसता कि डिकोस्टा पागल हो गया है। तुम्हारी बात भी सही, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि लड़के लड़कियों की मौत एक साथ कैसे होती थी। जब रूबी की आत्मा किसी लड़की में जाता था तो वो अपना बॉयफ्रेंड को मार देता था, और वो आत्मा जब बाहर जाता तो वो लड़की भी मर जाता था। डिकोसा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि तुमने इस साजिश में शामिल होकर कानून को गुमराह करने की कोशिश की है। अब तुम कानून से नहीं बच सकते। नहीं, सलामत। गुनाह करने वाला और गुनाह के सबूत को मिटाने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं। नहीं, तुम बाप बेटी दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हो। बेटी बदले की आग में जलकर खून करती चली गई और बाप बेटी के गम में पागल होकर खून करवाता चला गया। यह झूठ है। हम रूबी को कत्ल करने से पहला और बाद में यही समझाता, हम आज भी यही करने आया था। तस्वीर का सामने हमने रूबी को रिक्वेस्ट किया कि इस कोठी में जितना लोग ठहरा हुआ है उनका कत्ल नहीं करने का, लेकिन रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है वो आज रात को भी किसी का कत्ल करने वाला है। क्या बात प्रोफेसर? नीलू कमरे में अकेली है। माय गॉड, आप यहीं रुकिए, मैं नीलू पास जाता हूं। नीलू,
नीलू। अरे कहाँ गई नीलू? नीलू 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 कहाँ तुम? नीलू नीलू ये तुम्हारी आंखों क्या नीलू? ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू मैं विक्रम, ये तुम्हारी आंखों क्या नीलू? नीलू मुझे पहचानने की कोशिश करो नीलू, मैं तुम्हारी जान। नीलू तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू मैं विक्रम, विक्रम तुम ऐसे क्यों देख रही नीलू मुझे? नहीं नहीं तुम नीलू, मैं विक्रम, आई एम योर लव। नीलू नहीं, नीलू नीलू गर्दन छोड़ो नीलू। नीलू क्या कर रही हो? माय गॉड वो बाल मुझे दो, वो बाल जल्दी उठाओ विक्रम, जल्दी करो वो बाल मुझे दो विक्रम, जल्दी करो विक्रम, विक्रम जल्दी करो वो बाल उठाओ कर पीछे। शांत हो जाओ और घूमती हुई इस गेंद को देखती रहो। अब तुम्हारा सारा ध्यान इस बॉल पर है, तुम्हारा शरीर ढीला पड़ रहा है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, तुम्हारा मन एकदम शांत हो चुका है। अब तुम्हारा मन एकदम शांत हो चुका है, एकदम शांत। तुम कौन हो? हम रूबी हैं। क्या चाहती हो? तुम सबका मौत, ये रात तुम सबका लिए कयामत का रात होगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने और मेरे जॉनी ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर हमें ये सजा क्यों मिला? बेटा तुम्हारा साथ उन दर्दों ने बहुत नाइंसाफी किया, उनको उसका सजा मिल गया, मगर तुम बेकसूर जोड़ा का खून करके उनसे भी ज्यादा नाइंसाफी करता है बेटा, उनसे भी ज्यादा नाइंसाफी करता है। हाँ हाँ हम नाइंसाफी करेगा और नाइंसाफी करेगा, क्योंकि मरते वक्त जितना हम तड़पा था उससे ज्यादा मरने का बाद तड़प रहा है। दूसरों को मौत से तड़पता देख हमको सुकून मिलता है, इसलिए आज का ये रात तुम सबका मौत और हमारा सुकून का रात होगा। ये रात तुम्हारी मुक्ति की रात होगी, तुम्हें तुम्हारे जॉनी की कसम, तुम्हें तुम्हारे जॉनी की कसम। तुम दोनों के प्यार का वास्ता, आज के बाद तुम किसी का खून नहीं करोगे, तुम किसी का खून नहीं करोगी, तुम किसी का खून नहीं करोगी। हाँ या ना में जवाब दो रूबी, और कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे इनकार के बाद लोग यही कहेंगे कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी, तुमने जीते जी जॉनी को धोखा दिया और मरने के बाद दूसरों की मोहब्बत से जलकर उनकी हत्या करती रही, तुम एक झूठी मक्कार फरेबी, और रूबी तुम्हारा प्यार एक नाटक था। नहीं 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 नहीं, मेरी और मेरे जॉनी की मोहब्बत सच्ची थी, हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी ऐसी हरकत नहीं किया करते, सच्ची मोहब्बत करने वाले दूसरों के लिए कुर्बानियां देते, इसलिए अब तुम्हें यहां से जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। जाओ बेटा जाओ बेटा जाओ, अपना बाप का खतर जाओ बेटा जाओ। ठीक है हम चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे जाने का सबूत क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि तुम जा चुकी हो?
तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा बेटा गया, बेटा हम तुम्हारा गुनहगार है, हम तेरे वास्ते कुछ नहीं कर सका बेटा। नीलू, 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 आंखें खोल नीलू, 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 गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल, कल रात को क्या हुआ था? कल रात को कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा। अरे नहीं। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। अरे विक्रम, लो विक्रम आ गया, इसी से पूछ लो। तुम कहाँ चले गए थे और ये खिलाड़ी कहाँ मर गया? अरे उसे ही ढूंढने गया था, अब तक उससे कोई पता नहीं चला। क्या? लेकिन मुझे उसे ढूंढने के चक्कर में उस जगह पता चल गया है जहाँ गायब जोड़ों की लाशों को दफन किया गया था। कहाँ? इस कोठी के पीछे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ एक गड्ढा है उसमें। लेकिन उन लाशों को वहाँ दफनाता कौन था? मिस्टर डिकोस्टा। क्या? मिस्टर डिकोस्टा। ओह फॉरगेट एवरीथिंग, नाउ दिस केस इज सॉल्व। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप हमारे साथ में नहीं होते तो शायद ये फाइल जिंदगी में कभी बंद नहीं होती। मेरी तफ्तीश तो पूरी हो चुकी है, मेरे समझ में ये नहीं आता कि मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूं तो क्या लिखूं। देखो विक्रम, ये एक सपने की तरह होता है और हर आदमी इस पर विश्वास नहीं करता। जिसके साथ ये हादसा होता है वही इस पर विश्वास करता है, बस। यू आर राइट साहब जी। खिलाड़ी तुम, अरे तुम कहां मर गए थे? रात भर में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मुझे तो लगा कहीं तुम भी गायब हो गए हो। मैं स्वर्ग गया था जी। नहीं नहीं, मैं दूसरे चक्कर में फंस गया था जी। किस चक्कर में फंस गए थे जी? वो रसमलाई। रसमलाई तुम? साहब जी मैंने कर दी। क्या? शादी। ओह क्या बात है खिलाड़ी, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। हाँ चेला किसका हूँ। हेलो। क्या हुआ प्रोफेसर, रात को कुछ पता चला? लो अब इन्हें भी बताओ।